हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली सात में प्रश्नावली छः त्रिभुज और उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर में यह इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इसमें पूरा आपको बेसिक में सिखाऊंगा पूरा कि किससे आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस चैप्टर का बेसिक क्या है, चलिए सीखते हैं। जैसा इस चैप्टर का नाम है, त्रिभुज और उसके गुण, ठीक है। तो थोड़ा चैप्टर के नाम के बारे में समझ लेते हैं। जैसे नाम है इसका त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज अपन को सबको पता है क्या होता है, ठीक है। त्रिभुज यानी अपन ने इस क्लास में भी पढ़ा होगा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। त्रिभुज जैसा इसका नाम है, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से घिरी जो बंद आकृति होगी उसे अपन कहते हैं त्रिभुज। ऐसी आकृति है जो भुजाओं से निर्मित है, भुजाओं यानी रेखाखंड से निर्मित है और इसकी तीन भुजाएं होती है और बंद आकृति होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी तीन आकृति मैंने उठा ली, तीन रेखाखंड उठा लिए या तीन भुजाएं उठा ली और वो बंद नहीं है तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएंगे। त्रिभुज क्या कहलाएगा? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। और उसके गुण अभी तक सिर्फ अपन ने इतना ही पढ़ा है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, कि संभव त्रिभुज क्या होते हैं, वो सब अपन ने पढ़ा है। उसके गुण समझते हैं कि इसके कुछ गुण भी होते हैं। जैसे जैसे स्पाइडरमैन का गुण क्या है कि वो हाथ से जाले निकालता है, बैटमैन का क्या है उड़ सकता है, वैसे ही त्रिभुज का भी कुछ गुण है यानी इसमें कुछ पावर्स है, क्या है समझते हैं। सबसे पहले ये त्रिभुज है, माना कि त्रिभुज तीन भुजाओं त्रिभुज तीन भुजाएं होती है और उसमें तीन कोण होते हैं। ये अंदर तीन कोण होते हैं, जितनी भुजाएं उतने कोण होंगे। कोण का मतलब मैंने आपको बताया है सिक्स क्लास में कि जिस बिंदु से दो रेखाखंड निकलते हैं, इस बिंदु से दो रेखाखंड निकलते हैं उसमें बना कोना ये कोण कहलाता है। ये कोण कहलाता है, तो ये त्रिभुज ए कोण ए बी और ये सी, इसमें तीन बिंदु होंगे और अंदर तीन कोण बनेंगे, ठीक है। इसी बिंदु से ये कोण बन रहा है, इस बिंदु से ये कोण बन रहा है, ठीक है। तीन कोण होंगे, तीन भुजाएं होगी, ये त्रिभुज कहलाया। अब कुछ इसके गुण के बारे में समझते हैं कि पहला त्रिभुज की माध्यिका के बारे में समझते हैं। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? माध्यिका शब्द का मतलब जैसे आप समझ रहे हो कि कुछ मध्य से टाइप होगा, माध्यिका को ऐसे लिखते हैं। माध्यिका एक रेखा होती है, मैं बताता हूँ कौन सी रेखा होती है। त्रिभुज का गुण है यानी वो त्रिभुज के अंदर होगी। तो त्रिभुज का क्या गुण माध्यिका कहलाता है समझाता हूँ। जैसे एक त्रिभुज है, इस शीर्ष से मैं माध्यिका जो रेखा बनाऊंगा वो रेखा सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी। माध्यिका रेखा वो कहलाती है कि एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अपन जो रेखा बनाए और वो रेखा सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, तब ये रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। इसका मतलब क्या है? एक शीर्ष से मैंने सामने वाली एक रेखा खींची जो क्या कर रही है, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, माना 10 सेंटीमीटर है। अभी बनाते कैसे हैं? 10 और 10 को मध्य बिंदु क्या होगा? 5। 5 पे एक बिंदु बनाते हैं और एक शीर्ष से मिला देते हैं, तो ये रेखा अपन को प्राप्त हो जाती है, ये रेखा कहलाती है माध्यिका, ठीक है। तो कितनी माध्यिकाएं होती है टोटल त्रिभुज में? एक अपन ये ऐसी रेखा बना सकते हैं, एक शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पर माध्यिका बना सकते हैं और एक शीर्ष सी से सामने वाली भुजा पर माध्यिका बना सकते हैं। तो एक त्रिभुज के अंदर टोटल तीन माध्यिकाएं होती है। माध्यिका अपन समझ गए। अब इसमें बता देता हूँ कि एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ऐसी रेखा जो दो ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांट दे, इतना ईजी है। अब समझते हैं कि शीर्ष लंब क्या होता है। शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष लंब कौन सी रेखा होती है? जैसा इसका नाम से ही है कि शीर्ष लंब, शीर्ष का मतलब बता दिया मैंने आपको कि शीर्ष होते हैं जहाँ से ऐसा बिंदु जहाँ से दो रेखाखंड निकलते हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, तो माना ये शीर्ष ए बी सी। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री कोण। इस भुजा बनाते कैसे हैं इसको? इस भुजा पर आप 90 डिग्री कोण बनाइए और एग्जैक्ट 90 डिग्री कोण, जैसे आप चांदा रखोगे एग्जैक्ट वो बिंदु वो एक के ऊपर आना चाहिए, तो वो रेखा कहलाती है शीर्ष लंब। तो ए से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे शीर्ष लंब बनाया, ये आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शीर्ष लंब बनाना बहुत ईजी है, माध्यिका बनाना सीख गए। अब थोड़ा एक नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं क्या है। अब एक और त्रिभुज गुण के बारे में चर्चा करते हैं। वो गुण है, देखो पहले सबसे मैंने त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज बन गया। अभी अपन ने माध्यिका और शीर्ष लंब के बारे में चर्चा कर ली। अब एक और गुण के बारे में बताता हूँ आपको। उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, ठीक है। एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, ठीक है। ये कोण का नाम क्या होता है? अब इसे कोण कोण तो नहीं बोलेंगे, ये तीनों कोण त्रिभुज के अंदर है ना, इनको बोलते हैं अंतः कोण। क्या बोलेंगे? अंतः कोण। त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोणों को अपन कहते हैं अंतः कोण। अब जो अंतः कोण है तो उसके बाहर भी कुछ कोण बनते हैं। बाहर कोण कैसे बनाते हैं? अगर मैं इस लाइन को आगे इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रेखा आगे बढ़ाऊँ तो देखो एक कोण यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। और इस लाइन को भी अगर मैं इमेजिनरी बार बनाऊँ तो ये कोण यहाँ भी एक बन रहा है, और इस कोण को भी काल्पनिक में बार बढ़ाऊँ तो एक कोण यहाँ भी बन रहा है। तो जो ये बाहर कोण बनता है ना, इसको अपन बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं?
बाई कौन, जहाँ भी अपन वीडियो देख रहे हैं उस बोलना है साथ साथ में, ठीक है। अभी बाई कौन कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में। जो त्रिभुज है पहले तो पता होना चाहिए कि अंदर अंतःकोण कौन कौन से हैं, अंदर बनने वाले कौन अंतःकोण होते हैं। अंदर अब त्रिभुज है तो तीन कोण बनेंगे, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। बाह्य कोण कौन कौन से, ये कोण एक कोण यहाँ बनता है, एक यहाँ एक यहाँ, इसके साथ साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि ये रेखा है, ये रेखा क्यों बनाती है, ये और ये कोण दोनों का योग 180 होता है, मैं आगे पूरा समझाऊंगा आपको। अभी आप समझिए कि त्रिभुज के जो बाहर कोण कोण बनते हैं, बाहर कितने बनेंगे, त्रिभुज है तो तीन बाहर कोण बनेंगे, चतुर्भुज है तो चार बाह्य कोण बनेंगे, तो यहाँ पे बाह्य कोण बन रहा है, ठीक है। तो बाह्य कोण का मान होता कितना है, ठीक है समझते हैं। बाह्य कोण का मान ऐसे ऐसे याद करते हैं, बाह्य कोण ऐसे लिखते हैं, बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान कितना होगा, जैसे मैंने माना कि त्रिभुज है, इसके दो अंतर कोण, जैसे ये दो अंतर कोण है, माना ये 50 डिग्री है, डिग्री का चिन्ह ये होता है, और ये 70 डिग्री है। मुझसे पूछ रहे हैं कि जो बाह्य एक्स है, बाह्य कोण का मान क्या होगा, ठीक है। बाह्य कोण का मान अंत अंत यानी अंदर, उसके अभिमुख यानी ये एक्स है, अंदर में इसके सामने कौन से है, ये इसको पास वाला छोड़ देना, एक्स के जो साथ वाला कोण है इसको छोड़ के, इसके सामने कौन से दो कोण है, ये ना इनके योग के बराबर होता है। बाह्य कोण अंत अंत यानी अंदर, अंत अभिमुख, अभिमुख यानी इसके साथ वाला नहीं, इसके मुख के सब सामने, जैसे अपने साथ कोई बैठा होता है लड़का, जैसे ये लड़का यहाँ बैठा है, मुझे इसके सामने लड़का बताना है, इस तरह साथ वाले लड़का थोड़ी लेते हैं अपन, ठीक है। भाई इसके साथ में नहीं लेना है, इसके जस्ट सामने वाले जो दो है कोणों को लेना है, अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। हम लिखना है ये क्वेश्चन करता है कैसे है इसको, जैसे यही क्वेश्चन अगर मुझे करना हो कैसे करूंगा मैं इसको, एक्स का मान कैसे निकालूंगा, मुझे पता है कि एक्स ही बाह्य कोण है, तो पहले सबसे पहले मुझे पता है कि इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होता है, ये तो चलो मुझे पता है। इसको त्रिभुज में लिखते कैसे हैं, तो इस कोण को मैं ज्यामिति में कैसे लिखता हूँ, ये कोण दो भुजाओं से मिलकर बनना है, एक ये ए सी, और यहाँ कोई बिंदु नहीं है तो ये रेखा है, तो मैं अनंत बिंदु बना सकता हूँ, मैंने बिंदु बना दिया यहाँ पे डी, तो कोण अब ये सी बिंदु मुझे दिखाना है और ये कोण दिखाना है, ये कोण किन दो भुजाओं से मिलकर बनना है, एक ए सी और एक सी डी, और सी बीच में है तो बीच वाले को अपन को पता ही है कि बीच वाला बिंदु ही कोण कहलाता है, तो कोण ए सी डी, ये ए सी और सी डी दो इसकी संगत भुजाएं कहलाती है, ठीक है। तो कोण ए सी डी आ गया, ये सी बीच वाला इस कोण को प्रदर्शित कर रहा है, कोण ए सी डी बाह्य कोण है, और कोण ए सी डी जो है वो कोण ए, ये जो कोण ए है, कोण ए इसके साथ में कोई अगर आप चाहो तो इसकी संगत भुजाएं भी लिख सकते हो, क्योंकि और कोई इसमें बन नहीं रहा ना, इसलिए मैंने कोण ए लिख दिया, अगर आप चाहो तो इसको कोण बी ए सी भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोण ए प्लस कोण बी, ओके। क्यों ऐसा क्यों है, ये परिभाषा लिख देंगे कि बाह्य कोण अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो कोण ए सी डी का मान क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है, और अपन को इसी के निकालना है, और कोण ए क्या है 50 डिग्री, प्लस कोण बी क्या है 70 डिग्री। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ कोण ए सी डी पूरा लिखा और यहाँ ए सी क्यों लिखा, क्योंकि ए सी डी अगर मैं कोण सी ऐसे लेता, कोण सी का मतलब क्या है, कोण सी ए वाला, और मुझे इस बाह्य कोण को बताना है, जैसे कोण अगर ए मैंने लिया ना, यहाँ कोई बाह्य कोण नहीं है, तो कोण ए पूरा यही दिखा रहा है, तो इसलिए मैंने पूरा नाम नहीं लिया इसका, अगर मैं कोण सी कहता तो ये भी कोण सी हो जाएगा और ये भी, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मुझे तो इसका मान बताना ना, इसलिए मैंने इसका पूरे सही तरीके से नाम लिखा। अगर कोण ए एकदम अलग ही है, इसके साथ और कोई भुजाएं नहीं लगी हुई है, कोई बाह्य कोण नहीं लगा हुआ है, तो अपन कोण ए को डायरेक्ट ऐसे ले सकते हैं, अन्यथा इसकी जगह पे तुम कोण बी ए सी भी ले सकते हो, गलत नहीं होगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। तो बाह्य कोण वाले क्वेश्चन ऐसे करना है, बाह्य कोण दिया होगा, बाह्य कोण का मान अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, और कभी क्वेश्चनों में क्या होगा, इसका मान दिया होगा जैसे 120 डिग्री दे देंगे आपको, और अंतर अभिमुख कोण के एक कोण का मान पूछ लेंगे, वो कैसे निकालते हैं, मुझे बताया इनके दोनों का योग इसके बराबर होगा, यानी 50 डिग्री प्लस एक्स बराबर 120 डिग्री होगा, और आपको एक्स समीकरण सरल करना आता है, एक्स का मान यहाँ रखो, 50 प्लस का है दूसरे पक्ष में भेजते हैं माइनस का हो जाएगा, और 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। चलिए इसका नेक्स्ट गुण सीखते हैं, ये बाह्य कोण इसका एक गुण होता है, चलिए नेक्स्ट गुण सीखते हैं इसका। अब त्रिभुज के कोण गुण के बारे में चर्चा करेंगे, वो गुण है, अभी तो बाह्य कोण के बारे में अपन पता पड़ गया कि बाह्य कोण का मान कितना होता है, अगर अंतर कोण का मान ही निकालना हो अपन को, एक चीज होती है कि जैसे त्रिभुज के गुण के बारे में बता रहा हूँ मैं, त्रिभुज बना दिया मैंने, त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज की क्या खासियत होती है कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोण, अंदर वाले तीनों ही कोण
इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। सदैव इसका मान 180 डिग्री होता है किसी भी हालत में, चाहे ये 70 डिग्री हो ये 30 डिग्री हो। तो 70 और 30 100 बचा हुआ कितना 80, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। त्रिभुज की तो आपको याद रखना है, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कोई आपको दो कोण का मान दिया होगा, बोलेंगे कि ये 50 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, इस कोण का मान ज्ञात कीजिए, माना कि कोण एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे, पहले तो त्रिभुज के तीनों बिंदुओं को नाम दे दिया, फिर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कोण ए 50 डिग्री प्लस कोण बी 70 डिग्री, कोण सी का मान अपन को निकालना है, तो एक्स आ जाएगा 70 और 50 होता है 120 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, एक्स का मान निकलना है 120 वहाँ चला जाएगा, यह आ जाएगा 180 माइनस 120, एक्स का मान हो जाएगा 60 डिग्री, ये अपन को पता भी है। वैसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे दिक्कत की बात नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 होता है। और कभी आपको क्या कहेंगे, बाय कोण दे देंगे, बाय कोण दे देंगे और पूछेंगे अंतर कोण इसका मान निकालो, और फिर इसका भी पूछ लेंगे, तो दो का मान दिया हो तो आप इसका भी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए इसका नेक्स्ट बिंदु समझते हैं। अब एक नया के नए गुण के बारे में सीखते हैं, वो गुण है, अपन को एक चीज तो पता ही है कि त्रिभुज, अपन छोटे क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर हो वो कहलाता है संभव त्रिभुज, तीनों भुजाएं अगर समान है वो कहलाता है संभव त्रिभुज। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो संभव। अगर इसकी दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं समान हो और एक अलग हो, तो उसे अपन बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं संभव त्रिभुज, इसको बोलते हैं समद्विबाहु, यानी ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 और ये अगर 6 भी हो गया, ये कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। इससे अपन आपको क्या सिखाना मैं चाह रहा हूँ, त्रिभुज का एक गुण होता है कि अपन ऐसे ही त्रिभुज अपने हिसाब से नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे मैंने एक रेखाखंड बनाया 5 सेंटीमीटर बनाया, ठीक है, यानी ए से लेकर बी तक मैं 5 सेंटीमीटर गया, फिर मैं क्या गया बी से लेकर सी तक एक बिंदु बनाया और मैं गया यहाँ से 3 सेंटीमीटर, मुझे जाना सी के घर ही था, ठीक है, मुझे जाना सी तक ही था, पर मैंने क्या किया पहले ये रास्ता पकड़ा और फिर ये गया। किसी ने मुझे बताया कि आप ये शॉर्ट तरीका, ये शॉर्ट रास्ता ये भी ले सकते थे तो आप जल्दी पहुंच जाते, ठीक है। तो किसी ने कहा मुझे कि आप अगर ये 6 सेंटीमीटर रास्ता पकड़ते तो आपको जल्दी दूरी आपको मिल जाती, ठीक है ना। इससे मुझे क्या सीख मिली, जिसमें ए से लेकर बी तक गया, बी से लेकर सी तक गया, तो ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी ये क्या हुई 8 सेंटीमीटर हुई। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा इसी से क्या होगा ए प्लस बी करूंगा मैं, ये 8 सेंटीमीटर होगा, और तीसरी भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो ये सदैव ही तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी वो त्रिभुज संभव होगा। तो मुझे जाना सी तक ही था, अगर मैंने ये रास्ता 9 सेंटीमीटर ले लिया, आप समझना अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मुझे जाना सी के घर ही था, मैं ए से लेकर बी तक गया 5 सेंटीमीटर, बी से लेकर सी तक गया 3 सेंटीमीटर, टोटल मैंने कितनी दूरी तय की 8 सेंटीमीटर दूरी तय की। इसने कहा कि आप शॉर्ट तरी रास्ता भी ले सकते थे, जो शॉर्ट रास्ता होगा जो 8 सेंटीमीटर से तो छोटा ही होगा ना, जैसे मैंने 7 सेंटीमीटर का रास्ता लिया तभी शॉर्ट रास्ता कहलाएगा, नहीं तो ये लॉन्ग रास्ता तो है ही। मुझे एक चीज़ क्या सीख मिली कि भाई त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग जो ए बी और बी सी है, इनका योग कोई भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने 7 और 5 लिया, 12 लिया, 7 और 3 10 लिया, यानी अगर मैंने कोई त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग किया, जैसे मैंने ए बी प्लस बी सी किया, उसका योग सदैव ही तीसरी भुजा से बड़ी हो गई। जैसे ए बी और बी सी की तीसरी भुजा कौन सी है, सी ए, उनसे हमेशा बड़ा होगा, तभी वो त्रिभुज एक संभव है, अन्यथा वो संभव नहीं है। अगर जैसे इसका मान मैंने ले लिया एटलीस्ट 9 ले लिया, ऐसा त्रिभुज आप बनेगा ही नहीं, आप बना के देख सकते हो 5 सेंटीमीटर लो फिर 3 सेंटीमीटर यूँ लो, तो ये आप 9 सेंटीमीटर को भी बना ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। आप ऐसे त्रिभुज की रचना कर सकते हो जिनकी दो भुजाओं का योग की तीसरी भुजा से क्या हो, अधिक हो, जैसे ये अब 8 है, 8 तो अधिक है नहीं 9 से, तो ऐसे त्रिभुज की संभावना नहीं की जा सकती। एक गुण तो ये हो गया कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होता है, और एक गुण क्या हुआ कि इनका जैसे किन्हीं भी दो भुजाओं की बाकी, जैसे ए बी माइनस बी सी, यानी किन्हीं भी दो का आप बाकी करो उनमें अंतर, वो जो अंतर होगा ना वो क्या होगा, जैसे मैंने क्या होगा देखो, जैसे अंतर किया 5 सेंटीमीटर मैंने 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होगा, वो सदैव ही तीसरी भुजा से बड़ा होगा, छोटा होगा। जैसे तीसरी भुजा मैंने मानी 6 सेंटीमीटर, तो ये अंतर हमेशा तीसरी से छोटा आना चाहिए, ये बड़ा होगा उल्टा जैसे उसका, ठीक है ना। जैसे कोई भुजा ले ली मैंने 10 सेंटीमीटर,
और ये 5 सेंटीमीटर लिया, और तीसरी बजाय हमने सोचा कि मैं बढ़ाऊँ 2 सेंटीमीटर। एक नियम तो इसमें लग गया त्रिभुज का कि दो भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर तीसरी से बड़ा है, और दूसरा नियम भी लगना चाहिए तभी वो त्रिभुज का माप समझो संभव है। जैसे ये त्रिभुज मैंने बढ़ाया, इन दोनों का योग +8 हो रहा है, तीसरी से बड़ा है, और इन दोनों की बाकी दो जो तीसरी भुजा इससे बड़ी है, जैसे इसका उल्टा, ठीक है ना। अब इसमें एक नियम तो लग गया कि 10 और 5 15 हो गए, वो 2 से बड़े हो गए, तो दूसरा नियम नहीं लगा कि 10 और 5 की बाकी क्या होती है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो ये 2 आया, 2 5 से बड़ा नहीं है, तो ये भी त्रिभुज संभव नहीं। दो नियम सिर्फ लगते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और किन्हीं भी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं की बाकी तीसरी से छोटी होनी चाहिए, बस इतना सिंपल है। बराबर भी अगर मान हुआ तो भी नहीं होगा, किन्हीं त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर हो गया ना, तभी वो त्रिभुज संभव नहीं होगा। चलिए अब इसके बारे में आगे सीखते हैं। अब एक मोस्ट पॉइंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जी एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रमेय सिद्ध की। जैसे कोई लड़का स्ट्रेट चला, माने सीधे रेखाखंड में चला, ए से लेकर बी तक गया, ठीक है, माना 3 सेंटीमीटर गया, फिर वो यहाँ से लेकर 4 सेंटीमीटर गया, दूरी तय की, उसको जाना यहाँ तक ही था, इस गियर तक ही जाना था, तो ये शॉर्ट दूरी ये होती है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, अगर आप सीधा यहाँ से चलो और यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर की तरफ यात्रा करो, 3 सेंटीमीटर नहीं हो गए, ऊपर की तरफ यात्रा की, 90 डिग्री का मतलब ऐसा कौन लंब गिरा, 90 डिग्री बना, 90 डिग्री जस्ट ये भुजा सामने वाली भुजा अगर निकालनी हो तो उसकी उन्होंने सूत्र दिए 3, ठीक है, तो सब सूत्र दिए तो समझते हैं क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि अगर ये त्रिभुज का अगर एक कोण का मान समकोण हो जाए तो उस त्रिभुज को अपन बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गए। अगर अपन को पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगानी है तो उस त्रिभुज में जो भी रेखाखंड होते हैं, जैसे माना ये त्रिभुज ABC है, ये कुल 3 रेखाखंड है, इनके कुछ नाम होते हैं, पाद पाद बोलते हैं इनको, जैसे ये 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं अपन 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण, 90 डिग्री जस्ट सामने वाली भुजा होगी कर्ण, ठीक है। जिस भुजा पर ये लंब गिरा है, जैसे ए बी है, BC पर ये लंब गिरा है, तो ये होती है आधार इसका, और ये खड़ी हुई रेखा ही कहलाती है लंब रेखा। लंब रेखा पड़ी है, जैसे एक रेखाखंड है, इसके ऊपर एक लंब रेखा 90 डिग्री कोण बनाऊं मैं, तो ये रेखा लंब कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी, तो ये लंब रेखा ये आधार रेखा कहलाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि हमेशा 90 डिग्री के सामने भुजा कहलाती है कर्ण। उसके सूत्र क्या बनते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी आपको मान दोनों में से किसी एक का मान दिया हो तो आप तीसरे का निकाल सकते हैं सूत्र के आधार पर, एक सूत्र ये। दूसरा सूत्र अगर आधार निकालना हो आपको तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है। अगर आपको लंब निकालना हो तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ये चलो सूत्र है आप लिख सकते हो कॉपी में। मैं इसका यूज अपन कैसे करेंगे, आपको एक समकोण त्रिभुज दिया होगा, एक चीज़ का ध्यान रखना कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा एक समकोण त्रिभुज में ही लगेगी, साधारण त्रिभुज में नहीं लगेगी, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज की पहचान कैसे करते हैं, उसमें अगर एक कोण 90 डिग्री है तो वो समकोण है, उसकी कोई टेंशन है नहीं अपन को, ठीक है ना। तो मैंने एक त्रिभुज ABC समकोण ले लिया, ठीक है, उसमें अपन को आपको प्रश्न किस पर आएगा कि आपको ABC एक समकोण है, इसमें कोण C अगर समकोण है, कोण A अगर समकोण है, तो आपको बनाना पड़ेगा। कोण C समकोण है तो आपको बिंदु यहाँ C रखना पड़ेगा, C आपने अगर रख दिया, C के बाद क्या आता है, C सबसे लास्ट में आता है, C से पहले आ गया B, B यहाँ रख दिया, उसके बाद लिख दिया A, तो ABC आ गया, C समकोण हो गया, ठीक है, C समकोण हो गया। अब वो क्या कहेगा कि कर्ण है उसमें 10 कर्ण कह देंगे 8 सेंटीमीटर, कर्ण बोल देंगे कि 10 सेंटीमीटर है, और आधार है 10 सेंटीमीटर, तो लंब रेखा ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है कि लंब बराबर इस सूत्र आपको लगाना है, लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के माइनस लंब के वर्ग, ठीक है। तो लंब क्या होता है, निकालना है अपन को, लंब पड़ा रहने दो, कर्ण 90 डिग्री जैसे सामने वाली भुजा, 10 सेंटीमीटर का वर्ग करना है अपन को, जैसे लग दिया, माइनस लंब यानी 6 सेंटीमीटर का वर्क करना है। वर्क करने का मतलब क्या होता है, वर्ग आपने पढ़ा भी है 13 चैप्टर में,
हाँ, वर्ग करते हैं। वर्ग का मतलब जैसे पांच का वर्ग है, तो खुद को पांच से दो बार गुणा करना, ठीक है। पांच को से दो बार गुणा किया तो 5 × 5 = 25। वर्ग का वर्ग यानी 6 की घात 2, 6 × 6। तो लंब का वर्ग आ गया 10 सेंटीमीटर। का वर्ग करेंगे तो आएगा 100 सेंटीमीटर वर्ग। 10 × 10 = 10, 10 × 10 = 100, और 100 सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वर्ग। 10 सेंटीमीटर का वर्ग को 36, और ये सेंटीमीटर वर्ग लग जाएगा। तो हम 36 अपन घटाएंगे, तो हमें जैसे तुम 36 घटाओगे तो सबको पता ही है क्या आएगा। 36 घटाया 4, 9 में से 3 घटाई 64, 64 आ गया, 64 सेंटीमीटर वर्ग आएगा। मुझे लंब का मान चाहिए, लंब स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। लंब मतलब किस संख्या का स्क्वायर करने पर मुझे 64 मिलता है। लंब स्क्वायर का मतलब ये होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैंने 2 रखूँ, 2 की घात 2 करूँगा तो वो 4 आएगा। 3 अगर रखूँ लंब की जगह पे, 3 की घात 2 क्या करूँगा, 3 × 3 = 9 आएगा। 4 रखूँ तो क्या होता है, 4 × 4 = 16। लंब की जगह मैं ऐसे क्या रखूँ कि मुझे 64 मिल जाए, तो वो संख्या है 8। 8 × 8 करने पर 64 आ रहा है। ये तो बेसिक तरीका है कि आप देख के कैसे कर सकते हो। एक इसका गणितीय तरीका क्या होता है, मुझे लंब का मान चाहिए और ये स्क्वायर अटक रहा है। स्क्वायर को अगर ये बराबर के दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो वर्गमूल का चिन्ह आता है। वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, देखो वो ऐसा चिन्ह होता है, ये 64 सेंटीमीटर वर्ग। यानी 64 है, इन दो संख्या को गुणा करने पर 64 आता है। उसका निकालने का अभाज्य तरीका, अभाज्य गुणनखंड करिए, दो के जोड़े बनाइए, उसमें आपको दिख जाएगा। तो ये आएगा इसमें से 8 और ये सेंटीमीटर, लंब निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर। बाकी अपन ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो इस चैप्टर में इतना ही है। अगर आपको चैप्टर पूरा समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।